अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है टोयोटा CHR 2017 मॉडल। ये टोयोटा CHR की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2020 तक आई है। 2020 के बाद इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी जो कि टोयोटा क्रॉस बनती है और वो गाड़ी पाकिस्तान में भी ऑफर होती है, लेकिन वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी है। इस गाड़ी में फीचर्स के करीब करीब ही आते हैं, इस गाड़ी में इंजन भी तकरीबन वैसा ही आता है और उसके अलावा इस गाड़ी की लुक्स मेरे ख्याल से टोयोटा क्रॉस से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत अच्छा ऑप्शन है और इस गाड़ी की डिमांड जो है ये 1.5 करोड़ रुपये है। अगर स्पेसिफिक कार की बात की जाए तो ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की है। इस गाड़ी में हर वो चीज़ ली गई है जो कि CHR ऑफर कर सकती है, जैसे कि LED हेडलाइट्स, बड़े रिम्स, इंटीरियर में हीटेड सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल जोन, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आती हैं जो कि मैं भी कवर करूँगा आगे। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DHA 2 के Gate 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, Amazon मॉल के ऑपोजिट। और उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं, रैप भी की जाती हैं, टेंट, सिरेमिक कोट, PPF। इसके बाद यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट भी अवेलेबल होती हैं जैसे कि अलॉय रिम्स, फेसलेट्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ओवर फेंडर्स एंड व्हाट नॉट। सो गाड़ियों के काम के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ये गाड़ी भी साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है और इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि MG HS PHEV भी अवेलेबल है यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रियस में भी 2-3 वर्जन अवेलेबल हैं और इसके अलावा टोयोटा क्रॉला स्पोर्ट भी अवेलेबल है जो कि इस गाड़ी का हैचबैक वर्जन है और वो गाड़ी बहुत मॉन्स्ट्रस इंजन के चलाती है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा CHR GLED टॉप ऑफ लाइन वर्जन का फ्रंट लुक है और इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि CHR ऑफर कर सकती है, जैसे कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये LED में हैं। इस पर DRL काफ़ी मैसिव आती है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलाइट है ये बायज़ोन वाली आती है, यानी कि इसमें लो और हाई के लिए बायज़ोन दिया गया है और इसकी हाइट एडजस्ट भी करती है। इसके बाद पार्किंग के लिए इसमें LED दी गई है और इंडिकेटर भी इस गाड़ी का LED में आता है। बाकी CHR की ये वाली जनरेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन दी गई हैं बम्पर में, साइड्स में, बैक में, जो कि मैं आगे कवर करूँगा। और CHR की फर्स्ट जनरेशन के अंदर डायमंड पैटर्न बहुत फॉलो किया गया है। इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल के अंदर डायमंड पैटर्न दिया गया है, हेडलाइट्स में, फिर उसके बाद टेल लाइट्स में, इंटीरियर में, छत में, ट्रंक में, हर जगह डायमंड शेप दी गई है। आयरन इसके पीछे क्या लॉजिक है बट ये मैं भी कवर करूँगा आगे। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। इस गाड़ी के फ्रंट पे और बैक पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इस गाड़ी में रडार भी आता है। इसका टोयोटा का साइन जो है ये प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इसमें रडार आता है और फिर इसमें ये ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे फॉग लैंप्स भी आते हैं, इसमें फ्रंट पे कैमरा भी आता है और उसके बाद इस गाड़ी में वाइपर भी रेन सेंसिंग है और हेडलाइट भी डे नाइट सेंसिंग है, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। 1.5 करोड़ के बजट में ये गाड़ी मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी है। अगर आप इस बजट में और गाड़ियाँ देखें तो पाकिस्तान में सिविक 11 जनरेशन मिलती है और मेरे ख्याल से ये गाड़ी उससे ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि एक तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छी हैं, ये गाड़ी साइज़ में भी उससे थोड़ी सी बड़ी लगती है और उसके अलावा इसमें फीचर्स उससे ज़्यादा आते हैं। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से डोर्स में होती हुई फ्रेड ट्रंक तक और टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। इसके बाद ये गाड़ी क्योंकि क्रॉसओवर SUV है तो इसमें SUV वाला टच करने के लिए ये एप्रंस भी दिए गए हैं टायर्स के आसपास और फेंडर्स, जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच करे हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से रोटेटेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं और ये एक फिजिकल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है यहाँ पे नीचे। इसमें मिरर दिया गया है जो कि आपको रियर टायर का काफ़ी प्रोमिनेंट व्यू देता है। इसके बाद इसके इंडिकेटर भी काफ़ी स्लीक से हैं, इस पर क्रोम भी आता है और साथ इसमें हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। इस गाड़ी का फ्रंट फेंडर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स दिए गए हैं, ऐसे कर्व्स मैंने पहले किसी कार में नहीं देखे। इसके अलावा इसमें एयरप्रेस दिए गए हैं, इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक आता है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे, यानी कि आप इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो कि मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसके कैरेक्टर लाइंस पे गौर करें तो ऐसी कैरेक्टर लाइंस किसी भी कार में नहीं आती इस कैटेगरी की। जस्ट ये गाड़ी एक चीज़ लैक करती है और वो है सनरूफ। इसमें ना सनरूफ आती है ना पैनोरामिक रूफ आती है, तो अगर इनमें वो भी आती होती तो ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन थी, ये गाड़ी बेस्ट चीज़ होती इस कैटेगरी में। लेकिन सनरूफ ना होने की वजह से ये गाड़ी थोड़ा सा टर्न ऑफ होती है लोगों के लिए। रिम भी इस गाड़ी में 18 इंचेस के आते हैं, लेकिन जो इसका रेयर डोर है इसमें पिलर वाला एरिया बहुत ज़्यादा मैसेज दिया गया है, ये मैं आपको आगे अंदर से दिखाऊंगा। इसलिए इसके विंडो का बहुत बड़ा सारा पोर्शन कट किया हुआ है जो कि मेरे ख्याल से अगर थोड़ा छोटा होता तो अच्छी बात थी, बट इसकी ये एक्सटीरियर की लुक में काफ़ी अच्छा डिसाइड कर रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर डोर है इसका डोर अनलॉकर भी होंडा विजर की तरह आता है, यानी कि पिलर में ये हिडन है, यहाँ पर नहीं दिया गया, ये इधर ऊपर दिया गया है जहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं लाइक दिस।
अगर बात की जाए इस गाड़ी के रॉयल लुक की तो पूरी ही गाड़ी की तरह ये भी काफ़ी एग्रेसिव है। इसके बैक में जो टेल लाइट्स आती हैं ये सिविक एक्स जैसी हैं, ये सी शेप में ही हैं, इनमें भी लावारी लैंप्स दिए गए हैं और मोर और लेस इसका डिज़ाइन सिविक एक्स जैसा ही है। इसके अलावा बैक पे फीचर्स गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं, इस तरह से यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, रियर विंडशील वॉशर भी आता है, बैक पे स्पॉइलर भी आता है, ब्रेक लैंप भी आता है यहाँ पे, और इसके अलावा इसका जो स्पॉइलर है ये सेंटर से ओपन है, इसमें ये वाले एरियाज ओपन दिए गए हैं, तीन बीच में गैप्स हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं और इसकी एरोडायनामिक्स को अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा बैक पे इसकी जो विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, ये विंडोज़ इसकी अगली विंडोज़ के साथ लिंक होती हैं यहाँ से, और इसके अलावा इसके बैक पे हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। इसके अलावा इसके रियर बम्पर के अंदर की अगेन ब्लैक कलर का एप्रन टाइप का एरिया दिया गया है काफ़ी बड़ा, और इसके अलावा इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ये इसका ये ट्रंक कैपेसिटी जो कि ठीक है, यहाँ पे चार या पांच लोगों का सामान आसानी से आ सकता है, और इसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक हाथ से ओपन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। इसके अलावा इस नीचे के लुक उठा के आप इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं, इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, इन्फ्रेटर किट आती है वो यहाँ पड़ी हुई है, और उसके अलावा इस गाड़ी में बैटरी पैक भी आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर टूल किट्स वगैरह दी गई हैं, लाइट दी गई है, इसके रियर बेंचेस फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी तरह खुला बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये टोयोटा CHR 2017 मॉडल का इंटीरियर है और ये लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इस गाड़ी में एक पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया है और वह डायमंड का, जो कि मैं अभी कवर करूँगा थोड़ी सी देर में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो इसका ये डैशबोर्ड काफ़ी मैसिव है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, ये ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, ऊपर वाला एक एरिया जो है ये लेदर की फिनिश में है और ये ब्राउन कलर का है। इसमें काफ़ी टेक्टिकल स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक में बहुत अच्छा टच ऐड कर रही है। इसके अलावा इसमें ये ग्लॉस ब्लैक एलुमिनियम की फिनिश बहुत सारी दी गई हैं जो कि मैं एक मिनट बाद कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-स्पोक है, राइट स्पोक में बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये मल्टी मीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले की विजन नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ से इसके अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर लैंड डिपार्चर असिस्ट भी दिया गया है और इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। इसके अलावा मीटर इस गाड़ी का आगे बेसिक सही है, इसमें दो मेन डायल दिए गए हैं, राइट पार्टर स्पीडोमीटर का है जो कि 180 तक ही आता है, इस गाड़ी में 180 पे लिमिटर लगा हुआ है। फिर लेफ्ट पे जो इसका गेज दिया गया है ये बेसिकली इसका इको इंडिकेटर है, यहाँ पे इसके हाइब्रिड स्टार्ट शो होती हैं आपको। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का लुक के लिहाज से बहुत अच्छा है, इसमें मेन जो लेयर है एक ब्राउन वाली ये लेदर की फिनिश में है, फिर इसके नीचे वाला एरिया भी सॉफ्ट टच मटेरियल में है। इस गाड़ी में दो स्पीकर आते हैं डैशबोर्ड के अंदर दोनों कॉर्नर्स में, और इसके अलावा इसके जो MRI डिस्प्ले है ये भी काफ़ी मैसिव है और एक फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है अलग से। ये गाड़ी 2017 में इस तरह का डिस्प्ले ऑफर कर रही थी, जबकि टसॉन MG वगैरह में ये 2020-21-22 में जाके आना शुरू हुआ है, तो ये गाड़ी इतना पहले सी चीज़ ऑफर कर रही है। इसके अलावा इसमें फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं लेकिन क्योंकि ये जैपनीज में है तो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर यहाँ एक क्लॉक दी गई है और एयरबैंड्स दिए गए हैं, एयरबैंड्स गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल की तो क्लाइमेट कंट्रोल CHR के अंदर डुअल जोन आता है 2016 से, दो अलग अलग जोन दी गई हैं ड्राइवर और पैसेंजर की, और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसा कि सबसे मजे का फीचर है इसका इको हीट एंड कूल, इको हीट कूल बेसिकली ये है कि ये गाड़ी हीटर और AC को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देती है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमम बना सकें। वैसे बेसिकली हाइब्रिड गाड़ियों में हीटर भी और कूलिंग भी एवरेज को कम कर देती है, लेकिन इसमें एक इको ऑप्शन दिया गया है उन चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाने के लिए। फिर इस गाड़ी में साइड मिरर डिफॉगर भी आता है, इस गाड़ी के साइड मिरर भी हीटेड हैं जो कि मैं अगेन एक दो मिनट तक कवर करूंगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के हैं, इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड आती है और इसके तीन अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, हाई मीडियम और लो, इनको आप इस तरह से इनके बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसका क्लाइमेट कंट्रोल डायमंड पैटर्न के अंदर आता है, इस पूरी कार में जो थीम फॉलो की गई है डायमंड पैटर्न की है। इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल डायमंड पैटर्न में है, इसके सीट्स के अंदर डायमंड पैटर्न फॉलो किया गया है, इसके डोर्स के अंदर भी फॉलो किया गया है, ट्रंक के अंदर भी फॉलो किया गया है और इसके बाद इसके रूफ में भी ये डायमंड पैटर्न दिया गया है। ये थोड़ी अनयूजुअल चीज़ है, इस गाड़ी के अंदर इतने सारे डायमंड दिए गए हैं और इवन जिसके स्पीकर्स की ग्रिल हैं इन पे भी डायमंड पैटर्न फॉलो किया गया है। इसी तरह इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल भी डायमंड पैटर्न में है और इवन इसके जो डैशबोर्ड के स्पीकर्स हैं ये भी डायमंड पैटर्न में है। तो ये थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। उससे नीचे इस गाड़ी में एक HDMI पोर्ट आता है, स्टोरेज पॉकेट आती है और एक कप होल्डर दिया गया है जो कि काफ़ी मैसिव है। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है, गियर लीवर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है, इसको आप इस तरह से गैस के पीछे स्विच कर सकते हैं। और उससे पीछे ये इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक दी गई है, पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है जिसको आप पुश करके इंगेज और पुल कर जिसको आप पुश करके डिसंगेज और पुल करके इंगेज कर सकते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ब्रेक होल्ड दिया गया है और EV मोड दिया गया है। EV मोड में आप इस गाड़ी को 60 किलोमीटर/घंटे तक की स्पीड तक बैटरीज पर चला सकते हैं। इसमें सामने सिर्फ एक ही कप होल्डर आता है, दूसरा कप होल्डर इसका यहाँ बैक पे दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसमें एक ट्रे दी गई है, ये ट्रे आफ्टर मार्केट है और नीचे सेंटर कंसोल है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे पावर आउटलेट भी आता है।
सीट्स के बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की, सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये सीट्स आपको बकेट सीट टाइप की फील देती हैं क्योंकि ये साइड से बहुत आगे तक आई हुई हैं और ये प्रॉपर आप पे ग्रिप करती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का हेडरेस्ट जो है ये भी एडजस्टेबल है, लेकिन ये फील ऐसी देता है कि ये फिक्स ही हो जैसे, ये सीट का एक ही पार्ट लगता है देखने में। इसके बाद इस गाड़ी की सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में है फैब्रिक और लेदर के। लेदर इस गाड़ी का ब्राउन में है, फैब्रिक इस गाड़ी का ब्लैक में है और ये डायमंड पैटर्न के अंदर है। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल हैं। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है, अगर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती तो मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी बात थी। बाकी इनके साइड्स पे एयरबैग्स आते हैं, इस गाड़ी में एयरबैग टोटल 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा इस गाड़ी के जो विंडोज़ हैं ये भी चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर को भी आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आता है और प्लस ये हीटेड भी हैं। तो यहाँ पे भी जितने फीचर्स आ सकते थे टोयोटा ने दे दिए हैं। और इसके अलावा इस पर रेयरव्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है और फिर वैनिटी मिरर के अंदर लाइट्स भी आती हैं, जो कि आप वैनिटी मिरर खोलेंगे तो ये ऑन ही ऑफ होंगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़रा सा हम पाता है फ्लोर बेड के अंदर, लेकिन स्टिल 3 लोग यहाँ पे आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी बैक पे काफ़ी खुली है। इसके अलावा बैक पे मैंटीज काफ़ी सारी आती हैं, इस तरह से इसके डोर हैंडल के अंदर कप होल्डर आते हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस हैं। उसके अलावा इसमें बैक पे स्पीकर्स भी आते हैं, बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये सीट 64 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़रा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब है और वो ये है कि इस गाड़ी के जो रेयर डोर्स हैं इनका जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की विंडो बहुत छोटी सी है। तो बैक पे बैठे हुए लोगों का बाहर देखने के लिए रूम बहुत थोड़ा सा है। अगर मैं हेडरेस्ट पे सर के बाहर देखना चाहता हूँ तो मुझे बिल्कुल जरा सी विंडो मिलेगी मेरे फेस के बिल्कुल साथ। यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का पैनल दिया हुआ है जो कि बंद ही है। ये यूजली ऐसा उन गाड़ियों में होता है जिनके डोर्स छोटे होते हैं, क्योंकि विंडो को रोल डाउन होने के लिए जगह चाहिए होती है और उनका नीचे साथ ही बिल्कुल टायर होता है, तो विंडो को रोल डाउन होने के लिए जगह नहीं मिलती तो विंडो छोटी कर देते हैं। बट इस कार में विंडो के खुलने के लिए एम्पल स्पेस है, बट स्टिल यहाँ पे विंडो बहुत छोटी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आर्मरेस्ट हैं ये प्लास्टिक में ही आते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे टोयोटा ने क्यों चीप आउट किया है। फ्रंट पे लेदर में दिए गए हैं लेकिन बैक पे ये चीप प्लास्टिक है। इसके अलावा इसके बैक पे सारी चीज़ें अच्छी आती हैं, इसमें सारी विंडो सिंगल लैप वाली हैं, एयर बैग्स आते हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो CHR में इंजन 1800cc हाइब्रिड आता है। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है और हाइब्रिड इंजन है जो कि आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ये गाड़ी आपको वेरिएंट सीट तकरीबन 20-22 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से बहुत अच्छी है। और इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है तो इसमें ये इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है इंजन के साथ ही। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है और इसकी CVT ट्रांसमिशन के ऊपर ही इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। बाकी इसके ऊपर ये टोयोटा का साइन दिया गया है जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग आती है, जो कि शो करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आता है, स्टीयरिंग इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। इस कैटेगरी में बहुत सारी गाड़ियों का बोनट हार्डवेयर से ओपन होता है, बट इसमें स्टैंड दिया गया है, अगर हार्डवेयर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, और इसके अलावा इसमें रडार भी आता है जो कि आपके राइड को बहुत अच्छा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है CHR में ये है 225, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्युमिनियम के, और 18 इंचेस के रिम ही इस कैटेगरी में यूजुअली आ रहे होते हैं। बट ये कार पहली थी जो कि इस कैटेगरी में ये वाले सारे फीचर्स ऑफर करती थी, और अभी भी ये गाड़ी ऐसे बहुत सारी फीचर्स ऑफर करती है जो कि इस कैटेगरी में और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती, जैसा कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और इसके बाद इस गाड़ी में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अगेन पोर्टेज वगैरह में नहीं आती। इसके अलावा इस गाड़ी में टायर जो है ये मिचलिन का है, जो कि बहुत अच्छा टायर है, आपको ये 50-60,000 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी की बॉडी और टायर के बीच में गैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि इसकी लुक में एक और अच्छा टच करा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा CHR का बैच दिया गया है और फ्रंट पे सिर्फ लॉक और अनलॉक ही आता है। इसमें टोयोटा के बैच के अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। और इसके अलावा इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप यहाँ नीचे से निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।